hi guys welcome back to my channel i hope you all are doing good so in today's video i am going to create gohar khan's bridal makeup look oh my god she look absolutely stunning how simple how elegant and how flawless her base is looking so if you want to know that how i achieved this gorgeous look please continue watching and before that make sure to subscribe like and share and now let's get started सबसे पहले मैं लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मैट लिपस्टिक वेयर करने वाली हूँ तो स्किन को प्रेप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यू हैव टू फॉलो दैट सी टी एम क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग रूटीन उसके बाद मैं लगाऊंगी स्ट्रोप क्रीम क्योंकि अगर आप गौर का फेस देखें तो बहुत ही ज़्यादा इल्यूमिनेटेड है बहुत ल्यूमिनस लग रहा है उनका फ़ेस फिर मैं अपने फेस पे लगाऊंगी पोर फिलिंग प्राइमर अगर आपके फेस पे हल्के हल्के पोर्स है आपको पोर फिलिंग वाला प्राइमर ही यूज करना चाहिए और प्राइमर आपके मेकअप को इंटैक्ट रखता है काफ़ी घंटों तक और फिर मैं अपने फाउंडेशन के अंडर लगाऊंगी करूँगी कॉन्टोरिंग इससे आपका जो बेस मेकअप है वो बहुत ही नेचुरल लगता है अगर आप उनका फ़ेस स्ट्रक्चर देखें उनका फ़ेस चीज़र लग रहा है बट ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्ट लगाया हुआ है या मतलब उन्होंने ऊपर से कोई कॉन्टोरिंग की है सो so, ये टेक्निक आप ज़रूर फॉलो करिए अगर आपको बिल्कुल वो नेचुरल स्कल्पटेड लुक चाहिए हमेशा कॉन्टोरिंग अपने फाउंडेशन के अंडरनीथ ही करें और मैं ब्लश को भी लगाऊंगी अंडर नीथ माई फाउंडेशन इससे करने से क्या होता है कि आपके फेस पे बहुत ही सुंदर सा ग्लो प्रोवाइड होता है अगर आपको ऊपर से ब्लश नहीं लगाना है दैट्स ओके क्योंकि अगर आप अंडर नीथ अपनी फाउंडेशन के ब्लश लगाते हैं तो वो वैसे भी आपको रोजी रोजी वाला ग्लो देगा बट आपको जो फाउंडेशन है उसके लिए आपको मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज़ करनी होगी मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर एवर की फाउंडेशन ये फुल कवरेज फाउंडेशन है पर मैंने क्या किया है मैंने एक सिंगल लेयर लगाई है इस फाउंडेशन की ज्यादा नहीं लगाया है क्योंकि अगर मैं ज्यादा लगा लेती तो जो मैंने कंट्रोलिंग और ब्लश टेक्निक यूज की है वो छुप जाती तो इसीलिए मैंने सिंगल लेयरिंग की है और अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड किया है गौहर का अंडर आई एरिया बहुत ही ज्यादा ब्राइटेंड है बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा है उनका अंडर आई एरिया तो मैंने ये यूज़ किया है नेक्स का कॉन्सट्रो वॉटसप कंसीलर ये फुल कवरेज कंसीलर है और ये मेरी पिगमेंटेशन मेरे डार्क सर्कल्स को भी अच्छे से हाइड कर देगा तो आपको ब्लेंडिंग करनी है आपको मेक श्योर sure करना है जब भी आप लेयरिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की सबसे पहले आप कम प्रोडक्ट्स यूज़ करें अपने फेस के ऊपर उसके बाद आप उसकी ब्लैंडिंग बहुत अच्छे से करें करेंगे अगर आपकी ब्लैंडिंग अच्छी होगी तभी आपका मेकअप फ्लॉलेस लगता है यूथफुल लगता है रेडियंट लगता है अगर आपकी ब्लैंडिंग अच्छी से नहीं होगी तो आपका मेकअप केक ही लगता है पैची लगता है और बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है टू सेट माई फेस एल बी यूजिंग एयर स्पन लूज पाउडर ओके ना कीप वन थिंग इन माइंड जब भी आप पाउडर्स यूज़ करें हमेशा उसकी कम लेयरिंग करें क्योंकि आपको मेकअप को सेट करना है आपको थोपना नहीं है अगर आप थोप लोगे तो आपका मेकअप केक ही लगता है ओके okay? और अगर आप उनका फेस देखें तो वो मेटिफाइड भी है बट स्टिल इट हैज़ दैट शाइन दैट ड्यूनेस सो आपको बहुत ही कम लेरिंग करनी है क्योंकि पाउडर जो होता है वो हमारे मेकअप को सेट रखता है इंटैक्ट रखता है काफ़ी दिन दे, काफ़ी देर तक और दूसरा आप जब उसके ऊपर लेयरिंग करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स की तो वो आपके लेयरिंग को बहुत सीमलेस बना देता है अब मैं अपने अंडर आई एरिया को ब्राइटन करूँगी यूजिंग दिस के एज पाउडर फ्रॉम सोप एंड ग्लोरी ये, ये येलो पाउडर है तो मेरे अंडर आई एरिया को बहुत अच्छे से ब्राइटन कर देगा लूज़ पाउडर ने मेरे अंडर आई एरिया को ब्राइटन नहीं किया था ओनली सेट किया था बट ये वाला पाउडर मेरे अंडर आई एरिया को सेट करेगा मतलब ब्राइटन करेगा अब अगर आप उनके फेस को देखें तो उनके फेस से बहुत ही अच्छा वार्म वाराम था उनके फेस पे और बहुत ही स्लाइट सी उन्होंने कंटोरिंग की है फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये नार्स का ब्रॉन्जर uh, इसका नाम है लगुना ब्रॉन्जर और उसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोरिंग कॉन्टोरिंग बिल्कुल लाइट हैंडडली मैंने करनी है और क्योंकि मुझे बिल्कुल एक स्ट्रक्चर देना है अपने फेस के ऊपर तो बस एक हल्के हाथ से मुझे कॉन्टोरिंग करनी है अगर आपको ज़्यादा चिजल्ट वाइट लुक चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो बट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक देता है इसलिए मैं आपको रिकमेंड uh, करूँगी कि आप बहुत हल्के हाथ से कॉन्टोरिंग करें जस्ट टू यू नो गिव दैट डेफिनेशन कभी भी आपको लगे आपकी कॉन्टोरिंग आपकी ब्रॉन्जिंग अप सी लग रही है तो आप क्या कर सकते हो कोई भी येलो पाउडर ले लीजिए या आप ट्रांसलूसन पाउडर भी ले सकते हो और अंडरनीथ अपने कॉन्टोरिंग के लगाइए और आप एक अच्छा सा काव आउट कर सकते हो अपने चीक्स को अब मैं ब्लश लगाऊंगी अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगाऊंगी क्योंकि उनका जो ब्लश है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में है और फिर इनर कॉर्नर्स में मैं लगाऊंगी पिंक कलर बिल्कुल हल्का सा एक फ्लश ऑफ कलर देना है मेरे को अपने चीक्स पे क्योंकि उनकी जो चीक्स है बहुत ही ज़्यादा रोज़ी रोजी सी हैं इसीलिए ओके okay, अब मैं अपने आईब्रोज़ को करूँगी टेम यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जैसे कि आप उनकी आईब्रोज देखिए उनकी आईब्रोज़ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है तो सबसे पहले तो मैं अपने आईब्रोज़ को करूँगी फिल उसके बाद बिल्कुल लाइट हैंड क्योंकि ना उनकी जो आईब्रोज है वो एक स्टार्क सी लुक नहीं है बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट सा कलर है उनकी आईब्रोज़ का और बहुत ही नेचुरल है उनकी आईब्रोज़ तो जैसे कि मैंने मैंशन किया कि उनकी आईब्रोज के बीच में गैप है तो मैं कंसीलर लगा रही हूँ अपने इनर कॉर्नर की आईब्रोज में और फिर उसको ब्लेंड करूँगी के जो बाल है वो छुप जाए और एक वो वैसा वाला लुक क्रिएट हो सके वो गैप क्रिएट हो सके और फिर से मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी और उसके बाद में लगाऊंगी ब्रो टेंट और उनकी जो आईब्रोज अगर आप देखिए बहुत ही फेदर आउट लुक है उनकी आईब्रोज का तो इसलिए मैंने अपवर्ड्स डायरेक्शन में अपने हेयर को कोम किया है her eye look is very very simple you guys only these two colors she has used on her eyelid as a transition color और अपने eyelid area pe एक eyeliner ki की शेप में उन्होंने एक शिमरी शेड को kiya किया है जो कि मैं aapko आपको बताऊँगी कैसे तो आपको भी ऐसा ही करना है आराम आराम से कलर को पिक करना है और लोअर लैस टाइम पर उन्हें कोई काजल नहीं लगाया है जस्ट नॉर्मल आई शेडो उन्होंने लगाई है एंड फिर मैं इन दो कलर्स को लगाऊंगी अपने आईलेट एरिया पर इन द शेप ऑफ आई अगर आपको लगे आपकी कलर की पिगमेंट ज़्यादा नहीं आ रही है आप कोई भी फिक्स प्लस ले सकते हैं या कोई भी स्प्रे ले सकते हैं सेटिंग स्प्रे आप उस पर ब्रश पे लगाइए एंड कलर को लगाइए एंड देखिए कितना अच्छा पे ऑफ मिलेगा आपको फिर फिर मैं लाइनर लगाऊंगी क्योंकि उनके आइज़ पे बिल्कुल ही थिन सी लाइन है और फिर अच्छे से कलर्स को आप ब्लेंड करके लाइनर लगा सकते हैं ये ब्राइडल मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा वेरेबल है आई थिंक फॉर एवरी वन हम लोग भी जैसे अगर नॉर्मल डेज में भी अगर हम ये आई लुक करना चाहें तो हम कर सकते हैं और वो ब्राइड जिनको ज़्यादा मेकअप थोपना अच्छा नहीं लगता है डेफिनेटली ट्राई दिस लुक आप बहुत सुंदर लगोगे और कहते हैं ना लेस इज़ मोर डेफिनेटली दिस गोज़ फॉर दिस लुक क्योंकि ये लेस है बट स्टिल इट लुक्स मोर और ये बहुत ही ग्लैमरस लुक है सो so, मैंने लैशज़ लगाई हैं बिल्कुल ही नेचुरल दिखने वाली लैशेज़ किसी को भी ना लगे कि मैंने लैशेज़ लगाई हैं और अपने वाटर लाइन को मैं टाइट लाइन करूँगी यूजिंग नेक्स जम्बो पेंसिल इन वाइट बिकॉज शी हैज़ टाइट लाइन हर आइज एंड द बेस्ट पार्ट कम्स हर लिप्स उनके लिप्स बहुत सुंदर लग रहे हैं क्योंकि उनका पूरा जो लुक है इट्स अ मोनोक्रोमैटिक लुक बट एक हिंट ऑफ वाइब्रेंट कलर उन्होंने यूज़ किया है अपने पूरे इस लुक में वो है एक सुंदर सा गॉर्जियस लिप कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मैक का लिप कलर और बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे ब्राइट कलर्स अब मेरा जो लुक है आई लुक वो बहुत ही सटल है तो आप उसके को साथ कोई भी कलर की लिपस्टिक लगा सकते हो बींग अ ब्राइड आई विल रिकमेंड ऑलवेज़ गो फॉर अ नाइस रेड और मरून शेड्स ये हमेशा सुंदर लगते हैं और ज्वेलरी की बात करते हैं तो मेरा ये चोकर है ये मैंने कोहिनूर ज्वेलर से लिया है मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी बहुत ही सुंदर ज्वेलरी वो बनाते हैं तो हाईलाइटर बिल्कुल हल्का सा लगाया है और फिर अपने फेस को मैं सेट कर दूंगी यूजिंग सेटिंग स्प्रे क्योंकि बहुत ही इसेंशियल ये स्टेप होता है इससे आपका मेकअप इंटैक्ट रहता है तो आई होप आपको मेरा ये सिंपल एलिगेंट ग्लैमरस लुक पसंद आया हो आई होप मैंने जस्टिस किया हो उनको उनकी लुक को अचीव करने में तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप इट रियली रियली मीन्स अ लॉट एंड नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन विद द ब्रांड न्यू वीडियो टिल देन यू स्टे हैप्पी लव योर सेल्फ गाइज एंड आई लव यू ऑल सो मच बाय